काम मुझे फाइल पास हो जाएगी, पहले पैसे लाओ और रिपोर्ट को गायब कर दो। पूरा धंधा करने वालों को अनिरुद्ध बहाल करेंगे। नोएडा के निठारी कांड का जब खुलासा हुआ तो एक सवाल ये भी उठा कि क्या ये मामला मानव अंगों के कारोबार से जुड़ा है। निठारी कांड की तहकीकात अभी जारी है, लेकिन आज हम जिस सनसनीखेज मामले का खुलासा करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक भी मानव अंगों के कारोबार से ही है। आप देखेंगे कि कैसे मरे हुए इंसानी जिस्म की नुमाइश होती है, कैसे मुर्दा मानव अंगों की बोली लगाई जाती है। टेलीविजन पर पहली बार होगा बेनकाब मुर्दा मानव अंगों का कारोबार। मुर्दा इंसानों की आंख, गुर्दा, दिमाग, जिगर, खोपड़ी या फिर पूरा मानव कंकाल, सब कुछ बिकता है। एक कारोबार जहां मुर्दों की बोली लगाई जाती है, उनके अलग अलग अंगों की कीमत तय की जाती है, मर चुके अजन्मे बच्चों का सौदा होता है। हम पहली बार बेनकाब करने जा रहे हैं मुर्दों की खरीद फरोख्त के ऐसे घिनौने धंधे को, जिसकी हकीकत जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। पहली बार होगा लाशों की सौदेबाजी का सनसनीखेज खुलासा। क्या मुर्दा मानव अंगों का कारोबार होता है? क्या मर चुके इंसानों के अंगों की खरीद बिक्री होती है? ये सवाल आपको बेहद ही अजीब लग सकते हैं, हमें भी यकीन नहीं था। हकीकत क्या है ये जानने के लिए हमने ऐसे अस्पतालों की छानबीन की जहां लावारिस लाशों को कई महीनों तक सुरक्षित रखा जाता है। दुर्घटना में शिकार हुए लोग हों या किसी बीमारी से मरने वाले मरीज, ज्यादातर लाशों को अंतिम संस्कार के लिए करीबी लोगों या रिश्तेदारों के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन हादसे और बीमारी से मरने वाले कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाती। उनके शरीर महीनों अस्पताल के मुर्दा घरों में रखे रहते हैं और जब उन्हें लेने कोई नहीं आता तो उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, या फिर उनको कायदे कानून के मुताबिक किसी मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूट को सौंप दिया जाता है। लेकिन हम लावारिस लाशों के ऐसे धंधे का खुलासा करने जा रहे हैं जहाँ बाजार में बिकती है इंसानों की लाशें, दुकान में बेचे जाते हैं मर चुके इंसानों के अंग। कैसे मुर्दा मानव अंगों का कारोबार होता है? कौन है वो लोग जो इस घिनौने धंधे में शामिल हैं? हमने जब इस बात की छानबीन शुरू की तो पता चला कि आगरा का एक शख्स पिछले कई सालों से मुर्दा मानव अंगों के कारोबार में लगा है। तहकीकात के लिए हम पहुंचे आगरा। आगरा शहर के बीचों बीच गोकुलपुरा नाम का एक मोहल्ला है। इसी मोहल्ले में है एक कब्रिस्तान और इसी कब्रिस्तान से सटा हुआ है मेडिकल साइंस से जुड़े उपकरण और मानव कंकाल के नकली मॉडल्स का एक गोदाम, आरपी सिंह एंड सन्स। इस दुकान की असलियत क्या है ये जानने के लिए हम पहुंचे इसके मालिक के पास। इसका नाम है संजीव चौहान। आगरा का ये शख्स मुर्दा इंसानों के अंग से लेकर लाशें तक बेचता है। हमने संजीव से कहा कि हम एक ऐसा सेंटर खोलने वाले हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को मुर्दा मानव शरीर और उसके अंग सप्लाई करेगा और इस काम के लिए हमें उसकी मदद चाहिए। शुरुआत में तो संजीव सिर्फ मानव शरीर के नकली मॉडल बेचने की बात पर अड़ा रहा, लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद ही वो अपने असली धंधे की बात करने लगा। ह्यूमन स्केलेटन पूरा है? पूरा। आदमी का है ना? आदमी का। ऐसा नहीं कोई लकड़ी वकड़ी का? नहीं, ऑर्गेनिक का नहीं, ऑर्गेनिक का कॉस्टली है, फाइबर का है, आर्टिकुलेटेड, 2500 रुपये का। नहीं, हमें तो ओरिजिनल आदमी का चाहिए। ऑर्गेनिक का आपको मिल जाएगा 15000 रुपये का। 15000? 15000। ओरिजिनल आदमी होगा? ओरिजिनल आदमी का होगा और इस टाइप का होगा। संजीव चौहान ने एक मानव कंकाल की कीमत बताई 15000 रुपए और ऑर्डर पूरा करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा। हम जानना चाहते थे कि संजीव हमें और कौन कौन से मानव अंगों की सप्लाई कर सकता है। जवाब में जो कुछ हमारे सामने आया उसे देखकर हम हैरत में रह गए।
हमारे सामने जार में बंद असली मानव अंगों की दुकान लगा दी गई। ये क्या है? ये आई आंख है, ओरिजिनल है, आदमी की है? ब्रेन है। ये दिल है? ब्रेन। ओह सॉरी, दिमाग। ओरिजिनल आदमी का है ये आदमी? अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि आदमी औरत है? ये तो आप एक्सपर्ट बताएंगे। हम तो एक्सपर्ट हैं ही हैं, ये तो आप ही एक्सपर्ट बताएंगे। ये तो चलो कुछ हो भी जाती हैं तो ब्रेन काफी मुश्किल से प्रजे होता है। क्या है इसमें? हार्ट है, किडनी है, थोड़ा इधर रखें, हार्ट है, लीवर है और किडनी है, किडनी लंग्स है। हमारे सामने जार में बंद मुर्दा इंसानों की आंखें, दिमाग और मेज पर उनकी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। मुर्दों के सौदागर संजीव के मुताबिक मुर्दा मानव अंगों को बेचना उसका पुश्तैनी धंधा है। दरअसल वो स्कूल कॉलेजों को विज्ञान के उपकरण और नकली मॉडल सप्लाई करने की आड़ में मुर्दों का कारोबार करता है। हमारी ग्रैंड फादर के समय की फर्म है ये। कितना साल पहले हो गए? आज हो गए साल को 50 साल। मुर्दों का सौदागर संजीव ये धंधा आखिर किस पैमाने पर कर रहा है? बेचने के लिए उसके पास लाशें या उनके अंग कहां से आते हैं? ब्रेक के बाद करेंगे इस कारोबार का खुलासा। देखते रहिए बेनकाब।